आईपीसी बोलते थे, आईपीसी 1860 जो कि 1860 में बना था, उसकी जगह नया कानून आया है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने 2023 में उसको पास किया था, एक्ट पास हुआ था, वो आज से उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा कानून जो था पहले सीआरपीसी उसको बोलते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसकी जगह पे जो नया कानून आया है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और तीसरा जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट था, जिसकी जगह जो है नया जो कानून अब बनाया गया है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो चूंकि नए कानून है, अभी ये इन्फेंसी स्टेज में आज से इम्प्लीमेंट होगा, इसलिए आप सभी को हमने तकलीफ दी है आपके शेड्यूल में से कि एक इंट्रोडक्शन सेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि अब आगे से किस तरीके से कानून की इम्प्लीमेंटेशन होगी। हम भी अभी सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये नई चीज़ है, बुक्स को हमने भी बुक्स को एक्वायर किया है, अभी स्टडी कर रहे हैं। जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी वैसे वैसे हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी और आपको भी अवेयरनेस होगी उसमें। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आईपीसी को बनाया गया था उस टाइम इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर था। तो जब आईपीसी को जब बनाया गया तो वो उस टाइम के जो सर्कमस्टांसिस थे, उस टाइम का जो माहौल था और उन चीजों के मद्देनजर उसको बनाया गया और इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन जो कानून 1860 में बना है, उस टाइम की जो रिक्वायरमेंट्स जो है, उस टाइम का जो माहौल है, और आज हम 2024 में जा रहे हैं, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर मान लो किसी ऑफेंस में, किसी पेटी ऑफेंस में अगर किसी कानूनी तौर पे, अगर सजा के तौर पे अगर उस टाइम 100 रुपया जुर्माना रखा गया था, तो 1860-61 में या 1870-80 में 100 रुपये की जो वैल्यू थी, और आज 2024 में 100 रुपये की वैल्यू है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। किसी भी ऑफेंडर को 100 रुपया अगर आज जुर्माना किया जाए तो मुझे लगता है कि उसको कुछ कोई महसूस नहीं होगा। तो कानून जो है वो इसलिए बनाया जाता है कि वायलेटर को एक डेटरेंस रहे, पैसे के लिहाज से भी डेटरेंस रहे उसको, और साथ में कानून के लिहाज से उसको सजा के तो सजा भी हो और उसको फाइनेंशियल भी उसको लॉस हो। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो है हमारी गवर्नमेंट ने ये जरूरी समझा कि नए कानूनों को बनाया जाए, ताकि आने वाले सदियों तक हमारा जो मुल्क जो है वो तरक्की कर सके और बेटर तरीके से जो है उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स को लाया जा सके। मैं यहां पर हम कानूनी बातें कम करेंगे, हम एक इंट्रैक्शन टाइप का इंट्रैक्शन सेशन ही रहेगा, क्योंकि सभी सिविल लोग हैं, कानूनी दाव पेच या कानूनी भाषा आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक आम धारणा है कि देखें जो कंप्लेनेंट जो थाने में या चौकी में आया है वो सही ही है, तो ऐसा नहीं होता। कई बार हमारे पास जब कोई कंप्लेनेंट जब आता है तो जरूरी नहीं है कि वो सही रिपोर्ट ही करवाता है, कई बार झूठी रिपोर्ट्स भी करवाते हैं, उसमें हमें दिक्कत आती है। तो अब क्या है कि जो नए कानून के लिहाज से कुछ चीजों को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने के लिए कहा गया है, जैसे कि अगर कोई झूठी रिपोर्ट करवाता है उसको भी उस चीज के बारे में थोड़ा सा एहसास भी रहे और साथ में उसको थोड़ा सा वो चीज पिंच भी करे, ताकि वो दोबारा ना करे। वो दूसरा जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताऊंगा जो पहले आईपीसी में थी और न्याय संहिता में उसमें लागू होगी। जैसे मर्डर, सभी ने सुना होगा कि मर्डर में 302 लगती थी, चाहे वो सिविल आदमी है चाहे कोई भी है, वो सभी को बताया गया अगर किसी का मर्डर होता है तो उसमें 302 ही लगती है। लेकिन अब जो नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता जो इम्प्लीमेंट होगी आज से, उसमें मर्डर के केस में 103 इम्प्लीमेंट होगी, उसको चेंज किया गया है, उसको 103 बीएनएस में लाया गया है, भारतीय न्याय संहिता में लाया गया है। उसी तरीके से अगर अटेम्प्ट टू मर्डर का पर्चा लगता है, जो कि पहले 307 में पर्चा लगता था, तो अब वो बीएनएस में 109 में वो पर्चा लगेगा। अगर
छोटी मोटी को लड़ाई हो जाती जिसमें पहले 341 323 में पर्चा लगता था किसी ने किसी को रोक के थप्पड़ मार दिए, तो वो 323 में हम उसमें रिपोर्ट डालते थे 323 आईपीसी में, जो कि अब 115 सबसेक्शन 2 में वो उसको उसका अंदराज किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसको एनफोर्स किया जाएगा। इसी तरह अगर रेप का कोई पर्चा लगता था पहले आईपीसी में, तो वो 300 मुझे लगता है यहां पर सभी जो बैठे हुए लोग हैं वो जिस भी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, चाहे बिजनेसमैन है चाहे कोई स्टूडेंट है, उसको ये पता होगा कि शायद 376 आईपीसी में पर्चा लगता था। लेकिन अब जो नया जो कानून इंप्लीमेंट होगा उसमें 64 में 64 बीएनएस में ये जो है रेप का पर्चा लगेगा। मतलब कुछ कानून को स्ट्रिंजेंट तरीके से बनाया गया, उसमें जो सजा भी बढ़ाई गई है और साथ में जो जुर्माना है उसको भी बढ़ाया गया। मैंने आपको पहले बताया कि अगर 1860 में या 70 में या 80 में अगर जो 100 रुपए की वैल्यू थी, तो आज 100 रुपया मुझे लगता है अगर किसी को ये कहा जाए कि तूने एक्सीडेंट किया तो तू 100 रुपया जुर्माना दे, वो कहेगा 100 रुपया कम है जनाब, मेरे से आप हजार रुपये ले लो। इसलिए जो कोई एक वायलेटर है उसको वो चीज पिंच करे, उसको कानूनी तौर पे रगड़ा लगे, एक डेटरेंस क्रिएट हो, उस वजह से कानून की सख्ती जो है वो जरूरी है। जब तक कानून की सख्ती नहीं होगी समाज में जो है जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनके ऊपर अंकुश नहीं लगता है, और ना ही जो आपराधिक तत्व हैं उनको उससे कोई फर्क पड़ता है और कानून में ढिलाई हो। मैं आपके साथ कुछ एक दो केस स्टडीज डिस्कस करूंगा, उससे आपको चीजों का पता चलेगा कि पुलिस को किन परेशानियों का या किन कंपल्शंस का सामना करना पड़ता है फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। मैं एसएचओ रामनगर था, 2014-15 की बात है, तो एक बुजुर्ग जो है वो आते हैं थाने में बड़े घबराए हुए कि मेरी लड़की को किडनैप कर लिया गया है। तो हमने इमीजिएटली उनको कहा कि आप अपनी दरख्वास्त लाए, हमने उसमें एफआईआर दे दी। तो उन्होंने क्या किया कि चार लोगों को उन्होंने उस अपनी एप्लीकेशन में नामजद किया, नॉमिनेट किया, तो चार लोगों के खिलाफ हमने पर्चा दे दिया। एफआईआर देने के हफ्ता 10 दिन तक वो बुजुर्ग वहां से गायब हो गए, उनका कोई आता पता नहीं, उन्होंने कोई उस चीज को फॉलो नहीं किया कि मेरा पर्चा लगा है नहीं लगा है या लगने के बाद आगे क्या कार्रवाई हुई है। तो मुझे थोड़ा शक पड़ा कि अगर बाकी इनकी लड़की अगर किडनैप हुई हो, किसी की अगर बच्ची किडनैप हुई है, तो वो तो मतलब नीचे की जमीन ऊपर और ऊपर से ऊपर की जमीन आसमान को नीचे ले आए। तो 10 दिन के बाद उनका मुझे सुबह सुबह फोन आता है अर्ली इन द मॉर्निंग, कोई 4:45-5 बजे, गर्मियों का मौसम था, कि सर आप कहाँ हो? तो मैंने कहा जी मैं तो अपने जो मेरा क्वार्टर है ऑफिशियल क्वार्टर में वहां, कि सर आप इमीडिएटली पार्टी भेजो, लड़की किसी तरीके से वो उनकी कैप्टिविटी से वो निकल गई है, तो आप पार्टी भेजो। हमने पार्टी भेजी, पार्टी भेज के लड़की को रिकवर किया, उसका जो उसकी जो फॉर्मेलिटीज थी, लीगल फॉर्मेलिटीज थी, मेडिकल करवाया उसका, बाद में सबसिक्वेंटली स्टेटमेंट करवाई उसकी जज के कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में 164 की। तो जो उसके फादर ने पहले एफआईआर लगवाई हुई थी चार लोगों के खिलाफ, लड़की ने उन चार के अलावा चार और लोगों का बीच में नाम, तो 8 हो गए। अब हम इस इन्वेस्टिगेशन में अभी हम ये इन्वेस्टिगेशन अब कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इस पर्चे के लगने के कोई 15-20 दिन के बाद कठुआ के राजबाग थाने में जो दूसरी पार्टी थी वो इनके खिलाफ पर्चा लगवा देती है, यही इन ऑफेंसेस में ही किडनैपिंग और रेप का, 2 पर्चे हो गए। अब जब राजबाग थाने में पर्चा लगा तो वहां से पुलिस यहां पर आना शुरू हो गई हमारे एरिया में रामनगर में इन लोगों को पकड़ने के लिए। कुछ दिनों के बाद तीसरा पर्चा लग जाता है हीरानगर थाने, इन्हीं ऑफेंसेस में सिमिलर जो किडनैपिंग और रेप का, किडनैपिंग रेप 363 376 का या 366 376 का, 3 पर्चे हो गए। इसी सिलसिले में एक और पर्चा लगता है सांबा में, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ पर्चे लगवा रही है, और हर एफआईआर में 5, 6, 6, 7, 7, 8 मुलजम, 4 एफआईआर होगी। उसके बाद एक और पर्चा लग जाता है बिश्ना थाने में, 5 हो गए। सब्सिक्वेंटली एक और हमारे पास भी पर्चा लगता है रामनगर में, 6 पर्चे लग जाते हैं, और इन 6 एफआईआर में कुल मिला के अगर हम उनके अक्यूज काउंट करें तो वो तकरीबन कोई 40 से 50 के बीच बीच में अक्यूज बन जाते हैं। पुलिस के लिए परेशानी बन जाती है, इतने अक्यूज को अरेस्ट करना है, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में जो ये पहाड़ी लोग हैं ये पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं।
तो जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, प्रोब करना शुरू किया, तो बीच में पता चला कि किडनैपिंग वाला कोई इशू है ही नहीं है, जबकि ये इशू है लैंड डिस्प्यूट का। क्या होता है कि जब जो ट्राइबल्स हमारे जो लोग हैं, जब गर्मियों में जब ये पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर ऊपर बैठने के लिए ईयर मार्क्ड जो है वो जगह होती है, जिनको हम मिडोज बोलते हैं, ढोक बोलते हैं, मिडोज बोलते हैं। तो वहां पर रामनगर से ऊपर एक जगह थी, वहां पर कोई 100-150 कनाल का एक पीस ऑफ लैंड था, जिस पीस ऑफ लैंड पे दो पार्टीज जो है वो क्लेम करती थी। एक पार्टी ये कहती थी इस लश्करीन जो मीडो है उसके ऊपर बैठने का हमारा हक बनता है, और दूसरी पार्टी का काउंटर क्लेम था कि इसको इसके ऊपर बैठने का हमारे जो जो कैटल्स हैं, जो जानवर हैं, इनके इनको चराने का जो है जो हमारा हक बनता है। तो वो उन्होंने अपने हक को जेन्युइननेस देने के लिए या उस क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए एक दो दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ पर्चे लगवाना शुरू कर। तो वो क्या था बेसिकली, वो प्रेशर टैक्टिक्स था कि पुलिस को इस्तेमाल करके, कानूनी तौर पे कानून को इस्तेमाल करके तो हम उसको करें। लेटर ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो उन दोनों पार्टियों की आपस में बाहर ही बाहर सेटलमेंट होती है और वो सारे के सारे पर्चे वो खारिज करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि कई बार क्या होता है कि आम सिविल मतलब आम लोगों में ये धारणा होती है कि देखो जी पुलिस गलत करती है, ऐसा नहीं है, कई बार हमसे भी गलती होती है, लेकिन काफी केसेस में जैसे खास करके जो 376 के केसेस हैं, हमने ही खुद मैंने अपने नौकरी में कम से कम भी 15-20-25 केसेस ऐसे इन्वेस्टिगेट किए हैं जिसमें कि झूठे पर्चे लगवाए जाते हैं। दूसरा, एक डायरेक्शन हमें मिलती है कोर्ट की तरफ से 156(3) में CRPC में, जिसमें पुलिस को पुलिस बाउंड होती है FIR रजिस्टर करने। उसमें भी काफी ये देखा गया है कि झूठे पर्चे लोग लगाते हैं और उसके बाद अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए जब कोई सेटलमेंट हो गई तो बाद में अगर बयान पहले दिया हुआ है 164 में अगर, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल जब ट्रायल चलता है चलान पेश करने के बाद, तो लड़की अपने बयान से मुकर जाती है। लेकिन अभी क्या है कि कानूनी तौर पर उसमें प्रावधान रखा गया है, उसको हम परजुरी में बोलते हैं, कि अगर कोई लड़की जिसने 376 का पर्चा किसी के खिलाफ लगाया है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल अगर वो अपने बयान से मुकरती है तो उसको भी सजा होगी, या अगर कोई भी शख्स अगर थाने चौकी में अगर गलत रिपोर्ट करवाता है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ये चीज साबित होती है कि उसने ये पर्चा गलत लगाया है तो उसके खिलाफ जो है 182 हम करते थे, जो कि अभी सेक्शन चेंज हो गई है, 182 IPC में होती थी। अभी हमने रिसेंटली यहाँ पर नवाबाद में एक शख्स के खिलाफ जो है वो 182 की थी। उसने यहाँ पर आकर के ये कहा कि मैं कश्मीर से आ रहा था, तो जब मैं यहाँ पर बस स्टैंड पहुंचा, बस स्टैंड के बाहर आया, तो मुझे होटल के जो एजेंट है वो लड़के थे वहां पर, उन्होंने पूछा कि आपने कमरा लेना है, तो मुझे होटल का कमरा चाहिए था, वो मुझे अपने साथ लेकर चले गए। तो सब्सिक्वेंटली जो समाधिया रोड है उसके पास जो बीबी चांदपुर जो समाधिया रोड पे जो गुरुद्वारा साहब है उसके पास कोई गाड़ी खड़ी थी, तो दो लड़के मुझे यहां से लेकर गए, तो दो लड़के वहां पर ऑलरेडी गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाया और मेरा मुंह बंद कर लिया, और लेटर ऑन किसी आइसोलेटेड जगह पर जाकर के मेरे अंदर जेब में 5 लाख रुपए पड़ा था, तो 5 लाख रुपए मेरे से जबर से छीन लिया। तो हमें जब उससे 2-4 सवाल पूछे गए तो शक पड़ा कि इसकी जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी डाइसी है, थोड़ा उसमें ट्रस्ट डेफिसिट लग रहा था। हमने FIR दी, FIR देने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो बाद में ये चीज साबित हुई कि उसके पैसे गए ही नहीं, उसने लोगों से उधार लिया हुआ था और वो उधार वापस देने के लिए पास उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने उस चीज को सेटल डाउन करने के लिए एक स्टोरी क्रिएट की और स्टोरी क्रिएट करके हमारे पास जो है पुलिस के पास झूठा पर्चा लगवाया। फिर हमने वो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जो FIR लगाई थी उसको खारिज किया, और खारिज करने के बाद उसके खिलाफ जो 182 का 182 IPC में एक इस्तगासा पेश होता है कोर्ट में, वो भी पेश किया, और सब्सिक्वेंटली उसको कोर्ट ने भी जो है उसको बाद में रिप्रीमांड किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जब जब जो थाने चौकी में आता है वो सही ही रिपोर्ट करवाता है, ठीक है, और जो अभी नए कानून जो बन रहे हैं इसमें एक पुलिस को एक स्पेशल पावर दी गई है कि अगर कोई रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो है थाने में आती है तो ऐसे जो ऑफिसर इंचार्ज है थाने का उसके पास पावर्स हैं कि वो
14 दिन तक उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं जो यहां पर सभी लोग बैठे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में फर्क होता है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा जब एफआईआर लग जाती है, एफआईआर लगने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, लेकिन इंक्वायरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या है कि उसकी सच्चाई जानने के लिए कि जो ये रिपोर्ट करवाई गई है क्या ये रिपोर्ट ठीक है या गलत है, उसको उसके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए जो है इंक्वायरी इनिशिएट किया। तो ऑफिसर इंचार्ज के पास अभी पावर्स दी गई हैं कि जिसमें वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो इंक्वायरी को कंप्लीट करके तो आगे सब्सिक्वेंटली वो एफआईआर रजिस्टर कर सकते। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो अभी नए कानून में जो दिया गया है वो है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब ये है कि अगर मान ले मैं बेंगलोर से सफर कर रहा हूं बाय रोड या बाय ट्रेन, अगर मैं सफर कर रहा हूं तो मेरी कोई कीमती सामान जो है वो ऑन वे कहीं दिल्ली के पास कहीं पर कोई मेरे से कोई छीन लेता है, ये मेरे से गुम हो जाता है, जब मैं जम्मू पहुंचता हूं तो मैं बोलता हूं कि देखो जी मेरा सामान गुम हो गया तो आप पर्चा दे दो। तो जो कंसर्न थाने में लोग ये बोलते थे कि आपका अगर सामान दिल्ली में गुम हुआ है या वहां पर अगर किसी ने चुराया है तो आप दिल्ली जाओ और आपकी एफआईआर वहां पर लगेगी। अभी कानूनी तौर पर यह प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई भी इंसान कहीं पर भी ऑफेंस हुआ है और वो अपने कंसर्न अगर थाने में जाता है जहां का वो रहने वाला है तो वहां पर जो है वो एक स्ट्रिक्ट मैंडेट है, ये एक लीगल कंपल्शन बना दी गई है कि उस कंसर्न एसएचओ को वो जीरो एफआईआर देनी है। वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जहां पर ऑफेंस हुआ है अगर दिल्ली में हो तो वही करेंगे, लेकिन जीरो एफआईआर देने के बाद वो हम उसको भेज देंगे। और पर्चा लगाने के लिए जो है जरूरी भी नहीं है कि थाने में आकर के इन पर्सन पर्चा लगाना है, आप वर्बल जो है उसमें एफआईआर लग सकती है, रिटन कंप्लेंट पर लग सकती है, व्हाट्सएप के ऊपर लग सकती है, लेकिन अगर ये जो पर्चा अगर ऐसे लगेगा तो उसको 3 दिन के अंदर अंदर जो है जो कंप्लेंट है उसको 3 दिन के अंदर अंदर थाने में। पहली जुलाई 2024 से आज जो है वो आज जो न्यू क्रिमिनल लॉ जो है वो लागू हुए हैं, जिसके चलते आज हर जगह पर हर थाने में जो है वो लोगों को नए क्रिमिनल लॉज को लेकर जो है वो लोगों को अवेयर किया जा रहा है। स्पीच आज जम्मू के नौबाद थाने की बात करें तो नौबाद थाने की टीम की तरफ से भी यहां पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम वर्कशॉप जो है वो यहां पर आज न्यू क्रिमिनल लॉज को लेकर यहां पर की गई है, जिसमें तमाम जो यहां के लोकल्स लोग हैं उन्हें भी जो है वो यहां पर वो भी आए हैं और वो भी इस चीज को सुन रहे हैं कि आखिरकार जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो जो है वो क्या है। तो आप सब लोग भी न्यू क्रिमिनल लॉज को लेकर अपनी अपनी राय जरूर साझा करें कि आखिरकार इन सब को लेकर आप जनता का क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।